ऑल राइट गाइस, तो आज जो है ना यार, दिल की धड़कनें इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज मैं आप लोगों की डिमांड पूरी करने वाला हूँ। मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हो, हम आए शमशान के अंदर, वो भी रात को। अभी जो है टाइम मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि रात के 12 बजने वाली है। ओ माई गॉड, 12 गाइस बज ही चुकी है, लगभग 12 बजने में पूरे एक मिनट ही बाकी है। मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, गूगल टाइम। तो गाइस 12 बजने में सिर्फ एक मिनट बाकी है, एक बार फोकस करके टाइम दिखा दो आप। तो गाइस गूगल का मैंने आपको रियल टाइम दिखा दिया है, जो है 12 बज के पूरा एक, मतलब 12 बजने में एक मिनट ही बाकी है। अब हम शमशान घाट के अंदर जाने वाले हैं और अंदर का देखने वाले के अंदर क्या है, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया कि भाई शमशान के अंदर जाओ, वो भी रात के 12 बजे। तो देख लीजिए, यहीं पर है पीछे शमशान, और हम चलते हैं। ये रहा शमशान का रास्ता, ये थोड़ा जंगल के अंदर से, और पास ही में हाईवे है। हमारा जो शमशान है ना, वो थोड़ा हाईवे के पास में, पीछे हाईवे, और जो हाईवे के पास है ना, वो थोड़ा जंगली इलाका है। तो वहीं पर हमारा शमशान है, और यहाँ से हमारा गांव जो है ना 1 किलोमीटर दूर है। तो अब हम जाने वाले हैं शमशान के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर शमशान घाट के अंदर जाने का बोर्ड लगा हुआ है, और पास ही से जा रही है हमारी हाईवे। गाइस थोड़ा सा नर्वस तो मैं भी हूँ, मुझे भी डर लग रहा है, क्योंकि मैं भी अकेले नहीं आता हूँ। कैमरामैन और मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो फ्रेंड्स लोग हैं वो कोई भी हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं है। उनको डर लगता है पता नहीं किस चीज़ का, लेकिन मेरे को इस चीज़ों पर विश्वास नहीं है। और आप देख सकते हैं, जो जिस आदमी की डेथ हो जाती है, पहले उसको यहाँ पर रखा जाता है, उसके बाद में ही शमशान घाट के अंदर प्रवेश दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ रीति रिवाज होते हैं, उसको पूरा किया जाता है, उसके बाद में उसको अंदर की तरफ लेके जाते हैं। तो अब हम अंदर चलते हैं, तो यहीं से हम प्रणाम कर लेते हैं यार, हम भी इस चीज़ के पास में नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पता है रात का टाइम थोड़ा सा ऐसा ही होता है, इसी वजह से। तो गाइस अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर चारों तरफ ही जंगल है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और ये यहाँ का रास्ता है जहाँ पर जिसको भी डेथ वगैरह हो जाती है उसको यहाँ पे लाया जाता है बाद में। और शमशान हमारा उस तरफ है, थोड़ा सा दूर है, वहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ। और इस तरफ में भी कुछ बैठक वगैरह इस तरीके की बनाई हुई है, जहाँ पे जब यहाँ पे लोगों को लेके आते हैं, तो जो लोग आते हैं ना एक्स्ट्रा में, उनको यहाँ पे बैठने के लिए उनकी सुविधा भी की गई हुई है। और अब होता है अपना मेन जगह स्टार्ट, ये रहा हमारा शमशान। तो गाइस यहाँ पर जाने से पहले मुझे भी थोड़ा सा नर्वस तो हूँ, क्योंकि मैं आज से पहले नहीं आया हूँ, और ना ही मैंने इधर से भी नहीं आता, मैं शमशान में भी बहुत इतना नहीं है अपना। आप देख सकते हैं अभी जो है रात के 12 बज रही है, और हम हैं शमशान के अंदर, आप देख सकते हैं ये रहा। और यहाँ पर भी छोटे से वो बनाए हुए हैं, भाई आगे आ जा। गाइज हमारे कैमरामैन जो है उनको भी थोड़ा थोड़ा सा डर तो लगता है ना, सबको डर लगता है। और ये रहा हमारा शमशान, आप देख सकते हैं ये रहा। मैं एक बार आपको इसके पीछे भी जाके दिखा देता हूँ, आ जाओ। तो यार लोग, काफी लोग जाते हैं शमशान के अंदर, उनको भी पता नहीं क्या है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि शमशान में जाने से कुछ होता है रात को 12 बजे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर आपके कि ऐसा तो होता ना गाइस, कभी किसी, मतलब शमशान के पास भी घर वगैरह तो होते ही है, वो भी उनको भी अगर डर वगैरह तो लगता ही होगा, क्योंकि शमशान के पास भी घर वर होते हैं, लेकिन हमारे शमशान के पास कोई घर वर नहीं है, पूरा सुनसान जगह पे है। तो मैं आपको एक बार उधर भी ले जाके दिखाता हूँ।
तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो शमशान के ऊपर जो है चद्दर लगाए हुए हैं पूरे, देखिए, और नीचे की तरफ शमशान है। और यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं ना, इनको किसी को भी टच नहीं करेंगे, क्योंकि शमशान की चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए। और अभी भी जो है रात के 12 बज रही है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं वापस। देखिए गाइज, मैं तो आज से पहले कभी भी शमशान के इस तरफ घूमा नहीं हूँ इस तरीके से। भाई कांटे वाटे देख के आइयो आराम से। गाइस वो भी रात के 12 बजे। ये देखो, आजा भाई आजा, आगे आजा, आगे आजा, आराम से आना। कांटे हैं यहाँ पे, कांटे लगे भाई, आराम से आराम से। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी झाड़ियाँ यार, इतने ज़्यादा कांटे भी है। आपको पता ही है यहाँ पे जंगली इलाका है पूरा, तो कांटे वगैरह बहुत सारे हैं यहाँ पे। आपको लग सकते हैं, आप देख सकते हैं कि शमशान के इर्द गिर्द कितने सारे कांटे हो चुके हैं इस तरीके से, काफ़ी सारे पेड़ लग चुके हैं। और यहाँ पर जो है ना एक छोटा सा वो बनाया हुआ है, जहाँ पे इंसान को यहाँ पे लाने से पहले यहाँ पर उसकी जो भी है चीज़ें वगैरह वो निकाल ली जाती है, जो भी वो पहना हुआ होता है ना, अगर जैसे अपने ये पहने हुए होते हैं वो सारे यहाँ पे निकाल लिए जाते हैं, उसके बाद में आगे की परंपरा की जाती है उसके साथ। और ये रहा अपना शमशान, आप देख सकते हैं मैं जो शमशान के पूरा इर्द गिर्द उधर से स्टार्ट किया था और मैं इस तरफ आ चुका हूँ। और ये रहा अपना शमशान, आप देख सकते हैं ऊपर चद्दर लग, भाई कुछ आवाज़ आई थी यार ऊपर से। अरे यार कुछ भी हलचल होती है ना, थोड़ी सी भी आवाज़ आ जाती। भाई वहाँ पे क्या है, देख इसकी राख के अंदर से देख कुछ निकल रहा है। कैमरे में तो नहीं आ रहा। अरे राख के अंदर से देख कुछ उठ रहा है। भाई इधर आ जा, पीछे आ जा, पीछे आ जा, राख के अंदर से कुछ निकल रहा है। रोशनी उधर ही रख पागल, अपने ऊपर मत रख। देख देख राख के अंदर से कुछ निकल रहा है, राख उधर है उधर। हाँ देख भाई सच में राख के अंदर से कुछ निकल रहा है, इधर आ देख, राख ऊपर जा रही है। झूम कर, राख के ऊपर से कुछ निकल रहा है उस पेड़ के पीछे देख, जहाँ पे वो राख है ना ज्यादा घेरी गई। हाँ। वहाँ पे कुछ निकल रहा है सच में। अरे भाई निकल, सच में कुछ निकल रहा है वहाँ पे। भाई मैंने देखा अभी, भाई निकल निकल के बंद कर दे। तो गाइस शमशान से तो हम आ चुके हैं, हालांकि हमारे भाई को थोड़ी सी चोट लग गई है यार, इस वजह से हम आगे का शूट नहीं कर पाए। कैमरा भी इसके हाथ से छूट गया था और ये जो है ना पत्थर की वजह से टकरा के नीचे गिर गए थे, इसी वजह से इनके हाथ में थोड़ी सी चोट लगी है। और रात को 1 बजे हमने डॉक्टर साहब को परेशान किया है और इनकी क्लिनिक खुलाई है और इनको पट्टी कराई है, आप देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर इनको चोट लग गई थी, इस वजह से आप देख सकते हैं इनकी हालत भी थोड़ी सी डाउन हो गई है। ये वहाँ पे पत्थर वगैरह बहुत से, आपको पता है, उनके अंदर से इनका टकरा गए और वहाँ पे गिर गए। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चलो बंद करता हूँ मैं।